भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। हाँ तो भाई लोगों, पापा की परी का मौत का नंगा नाच रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पापा की परी मौत का वो तांडव कर रही है कि वो खुद की स्कूटी से ही खुद को पेल रही है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हाँ भाई लोगों, आलम ये हो चुका है कि चाहे पेटीकोट फट जाए, लहंगा उतर जाए या पजामा सरक जाए, पर परियों का मौत का खेल नहीं रुकेगा। ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? भगवान। हाँ भाई लोगों, देख रहे हो इस पापा की परी को। परी का पजामा सरक गया लेकिन मैडम ने स्कूटी से हाथ नहीं हटाया, और हटाई भी क्यों, लोगों के साथ मौत का नंगा नाच जो करना है। तो आओ भाई लोगों, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं और पापा की परियों का तांडव देखते हैं। बोलो जय बब्बा की। हाँ भाई लोगों, जहाँ पापा की परियां यमराज जी का रूप है, तो वहीं इनकी स्कूटी इनका भैंस है, इसलिए वो स्कूटी में पेट्रोल नहीं बल्कि मिट्टी का तेल डालते हैं। बताओ साला, दिमाग देख रहे हो इस पापा की परी का, कैसे स्कूटी में मिट्टी का तेल डाल रही है। साला यही वजह है कि परियों की स्कूटी इनके बिना ही रोड में लोगों को पेलते दिखाई देती है। तेरी बहन का, हट बे, तेरी बहन की चोटल। हाँ भाई लोगों, ये परियों की स्कूटी है, ये 24 घंटे मिट्टी के तेल सूंघ के नशे में रहती है, और इसके सामने जो आया वो पेला गया। और भाई अब ऐसा नहीं कि इनकी स्कूटी सिर्फ लोगों को पेलती हो, नहीं, कभी कभी इनकी स्कूटी इन्हें ही पेल के अपनी भूख मिटा लेती है। हाँ भाई लोगों, देखा आपने कैसे स्कूटी ने इस परी का मोर बना दिया। भाई इस स्कूटी ने सिर्फ परी को नहीं पेला बल्कि सबको ये बता दिया कि इनके आगे जो भी आएगा वो पेला जाएगा, फिर चाहे ये खुद ही क्यों ना हो। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बताओ, इनसे स्कूटी चलती नहीं, फिर भी इन्हें स्कूटी पे बैठ के स्कूटी बैक करना है। अरे मैडम, अब खुश हो गुल्लक फुड़वा के, मिल गया चैन पतीला पिचका के, नहीं मतलब उतर के ही स्कूटी बैक कर लेती तो पिछवाड़ा बच जाता। और भाई लोगों, वहीं कुछ पापा की परियां ऐसी होती हैं जिनसे स्कूटी तो चलती नहीं और चलाना ही ना बाइक है, फिर क्या, तुम खुद ही देखो। अरे मैडम, गोरी गोरी टांगे लेने से बाइक नहीं चलती, नहीं मतलब जब तुम्हें पता है तुमसे स्कूटी भी नहीं चलती तो बाइक चलाने क्यों चल दी, वारे पापा की परी। और इतना ही नहीं भाई, कुछ तूफान की मौसियों को तो बाइक में स्टंट भी करना है, और नतीजा आपके सामने। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नहीं मतलब भाई, मुझे ये समझ नहीं आता, आखिर इन्हें अपने गोरे गोरे गुल्लक की फिक्र नहीं होती क्या, जो वो कभी भी कहीं भी स्टंट मारने लगती हैं। नहीं मतलब अपने पिछवाड़े से तो सबको प्यार होता है ना, शायद इन्हें नहीं होगा। और भाई लोगों, ये वही लड़की होती है जो पानी के झोंका को भी नहीं झेल पाती। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
देख रहे हो पानी की चार छींटे क्या पड़ी, मैडम ने धरती चाटना शुरू कर दिया। सच में यार क्या परी बनेगी रे तू। और यही वजह है कि पापा की परी के सामने जैसे ही कोई आता है वो खुद अपनी गाड़ी पानी में कुदा देती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बताओ साला, लगता है पापा की परिया अपनी शक्तियां भूल गई है। कोई इन्हें इनकी शक्तियां याद दिला दो यार, ये गाड़ी कुदाने के लिए नहीं, ये लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए बनी है। तो बस भाई लोगों, पापा की परी की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार हम बहुत करीब है 500K के सब्सक्राइबर के। और साथ ही फॉलो कर लेना यार झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।